नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासमिन खान। इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। और विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो गठबंधन महायुति सरकार का देखने को मिलता है, वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो 288 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है कि वो 160 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो वहीं सहयोगी दलों की बात करें, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के जरिए नाराजगियों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एकनाथ शिंदे आज एनसीपी शरद पवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं अजीत पवार ने भी शरद पवार से मुलाकात बीते दिनों की। लेकिन चर्चाएं ये तेज हैं कि अजीत पवार ने एक और बड़ा ऐलान महाराष्ट्र में किया कि स्थानीय निकाय चुनाव में वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। ये चुनाव किसी गठबंधन में किसी पार्टी के सहयोग के बलबूते पर नहीं होगा। स्थानीय निकाय चुनाव में अजीत पवार गुट का ये फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग नजर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ दिखाई देती है। जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में एक फैसला लिया गया था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी, लेकिन सीएम चेहरा हम अभी तय नहीं करेंगे। और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे बेशक ना किया गया हो, महाराष्ट्र में भी वही कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है कि इस बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा जाएगा। वहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आती है। अजीत पवार का ऐलान स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। इस फिराक में अभी से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरीके से फैसले अलग थलग लिए जा रहे हैं महायुति सरकार में, जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का फैसला अलग, अजीत पवार का फैसला अलग, एकनाथ शिंदे का फैसला अलग, क्या ऐसे में विधानसभा चुनाव पहले बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।